किसानों पर देश में अक्सर सियासत होती है। किसानों को वोट बैंक समझकर सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें कर्ज माफी या अन्य मुआवजे का लालच देती है, मगर भारतीय किसानों की असल समस्या तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। drupal.com पर आज शाने किसान में हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं की और उनके समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तर। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया से लेकर चुनावी मंचों तक हर जगह से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था, लेकिन क्या कर्ज माफी से ही किसानों को राहत मिलेगी? क्या कर्ज माफी ही उनकी हालत सुधारने के लिए काफी है? आखिर कब तक और कौन सी सरकार उनकी मूलभूत समस्याओं तक पहुंच सकेगी? किसानों की मुख्य परेशानी है फसल की गुणवत्ता और पैदावार की कीमत। अगर एक किसान की खेती का फल यानी कि उसकी फसल अच्छी है तो उसे किसी भी तरह के कर्ज लेने या उसे माफ कराने की आवश्यकता ही नहीं होगी, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारनी है या सुधारना है किसानों की स्थिति, तो उन्हें शिक्षित तो करना ही होगा, खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, उसे फसल की बारीकियों को समझाना होगा। हमारे देश में मात्र 10% किसान हैं जो खेती को सही और नए ढंग से करना जानते हैं। हर किसान टेक्नोलॉजी तक पहुंचे ये जरूरी है। किसान की एक समस्या है तेजी से बदल रहा मौसम, जो अक्सर उसकी फसलों को खराब कर देता है। अगर भारतीय किसान की बात की जाए तो वह परंपरागत तरीकों से ही अब तक खेती किसानी कर रहा है, लेकिन बेहतर फसल के लिए उसे नए नए और अपडेटेड तरीकों को ढूंढना ही होगा और इस्तेमाल भी करना ही होगा। मगर सरकारों को किसानों को शिक्षित करने, उन्हें खेती के उन्नत तरीकों के बारे में सिखाने से ज्यादा आसान लगता है कर्ज माफी, क्योंकि इस तरह वह किसान के वोट पाने के हकदार हो जाते हैं और बेचारा किसान मजबूर का मजबूर बना रहता है। किसानों की असली समस्या है उनका पिछड़ापन, और जब तक किसान अपडेट नहीं होता वह रहेगा कमजोर ही। उसे आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ में नई टेक्नोलॉजी और शिक्षा के हथियार को उठाना ही होगा और छोड़नी होगी अपनी बेचारगी।